यह जो इतनी बातें जो कही जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे वक्ता लोग एक निश्चित भ्रम में पड़े हुए हैं। यह देश व्यक्ति का नहीं था, व्यक्तिवाद यहाँ घृणित था। इसीलिए इस देश में जब किसी एक काया से, एक देही से कोई बड़ा भारी कार्य हुआ तो पहले उसका व्यक्तित्व मिटाया गया, शंकराचार्य शंकर के अवतार बनाए गए, कुमारिल भट्ट स्वामी कार्तिक के अवतार बनाए गए, अभिनवगुप्त पादाचार्य शेषनाग के अवतार बनाए गए, मंडन मिश्र ब्रह्मा के अवतार बनाए गए, और अभी कर तुलसीदास पैदा हुए। काल के अक्षय प्रवाह में 300-350 वर्ष का समय कुछ है नहीं, उनके लिए कहा गया वाल्मीकि तुलसी भयो। यह देश जानता था कि यदि एक व्यक्ति की, एक देही की बहुत पूजा होगी तो शेष लोक जो है वह अधम हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, सबके मन में यह बात आएगी कि हमारी भी पूजा हो। तो यह व्यक्तित्व की पूजा का अज्ञान समूचे पश्चिमी साहित्य में रमता हुआ, और जब अंग्रेजी का पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया तो हम अब व्यक्ति बन गए हैं, हम अब लोक काया के अंग भी नहीं। मैं नहीं मानता, कभी नहीं मानूंगा कि कोई प्रस्तुतकर्ता हमारे दर्शकों का निर्माण करेगा। दर्शक प्रधान है, हमारा लोक प्रधान है।